सोनिया अभी परेशान है बहुत ज़्यादा, वो अपने बच्चे को लेके बहुत दुखी है क्योंकि उसके बच्चे की अभी तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा। तो पहले तो वो उनको डॉक्टर वॉक्टर के दिखाएंगी, फिर वो मुझसे अभी मेरी बात हुई थी तो वो मुझसे बात कर रही थी, वो बोल रही थी दीदी वो लोग खेल खेल रहे हैं मेरे साथ में, मैंने कुछ भी कोई मांग नहीं करी है, कोई हनी ट्रैप नहीं किया है, ठीक है। पिछले 7 महीने से उसका कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा था, वो वहाँ से आ गए 7 महीने पहले बांग्लादेश से जॉब छोड़ के मिस्टर तिवारी आ गए, फिर उसके बाद में उन्होंने उसको देखा ही नहीं और खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए। जब वो परेशान हो गई फिर उनको इंडिया आना पड़ा है, बाकी उनकी कोई ऐसी मांग है नहीं जितना सौरभ तिवारी उसको फंसा रहे हैं, ऐसे कुछ भी नहीं। तब क्योंकि आप लॉयर हैं, केस पूरा लगभग 6 महीने से जी बिल्कुल, दोनों ने वहाँ शादी की है क्या, मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई? बिल्कुल बदला था सौरभ ने? हाँ जी, मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं सारे हर एक चीज़ के, उन्होंने धर्म बदला है, अब वो हिंदू नहीं है, अब वो मुस्लिम है इस टाइम पे, और मुस्लिम शादी में 2 वाइफ रख सकते हैं। अच्छा, तो अब क्योंकि इंडियन लॉ भी बदल चुका है, ठीक है जी, तो उस आधार पर कैसे आप 2 शादी रखेंगे पहला? दूसरा मेरा सवाल ये था कि अब क्योंकि आपकी जो बात हो रही है, पुलिस किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रही है? पुलिस का पूरा कोऑपरेट है हमारे साथ में, पुलिस जहां पर भी जैसे भी है हर तरीके से अपना सपोर्ट कर रही है। मैम कोई ऐसा फ़ोटो है जो दोनों का एक साथ हो, सौरभ का और उसका जो है एक साथ हो, बताया जा रहा है? नहीं, देखिए फोटोज़ हैं मेरे पास में, उसकी वीडियोज़ भी हैं उसके हस्बैंड के साथ में, मैं अभी वो डिस्क्लोज नहीं कर सकती जब तक मेरी सोनिया से इस बारे में बात नहीं हो जाती। अच्छा, अब क्योंकि आप मुलाकात करके अभी आई हैं, क्या आप उन्होंने आपको बताया कब तक वो यहाँ रहेंगी, क्या स्वास्थ्य किसी तरीके की तबीयत जो बताया जा रहा है ख़राब है? उनके बच्चे की तबीयत ख़राब है, वो ठीक हैं, परेशान हैं वो कि जो पर्सन उनके साथ में 3 साल से बहुत अच्छे से रह रहा था वो इस तरह से उनको इग्नोर कर रहा है जैसे कि वो अब जानता ही नहीं है, ठीक है, तो परेशान तो होने की बात ही है। और जबकि उनके 2 बड़े बच्चे भी हैं जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था, उनको शादी करनी भी नहीं चाहिए थी। अच्छा, जो सौरभ है उसकी एज क्या है, कितने बच्चे हैं, क्या उनकी? सौरभ की एज है डॉक्यूमेंट में लगभग 46 या 7 है, और सोनिया अख्तर की 29 या 30 है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है जी, आप जो है बांग्लादेश से आए जी, क्या पूरा मामला है थोड़ा ब्रीफ? बांग्लादेशी जो महिला है सोनिया अख्तर, इनका नाम है, और लगभग 4 साल पहले, एक्चुअल में 2017 से सौरभ कांत तिवारी हैं वो बांग्लादेश जाते हैं, और एक कंपनी के द्वारा कल्टीमैक्स एक कंपनी है उसमें ये जॉब करते थे, और जॉब के दौरान ही जो सोनिया अख्तर हैं ये भी एक किसी दूसरी कंपनी में जॉब कर रही थी, उसी टाइम पे होता क्या है कि इन लोगों की कंपनी के द्वारा मुलाकात हुई, कंपनी के काम के द्वारा, और दोनों की आपस में बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और सबसे पहला जो प्रपोजल था वो प्रपोजल दिया मिस्टर सौरभ तिवारी ने, और इन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम बनने के लिए तैयार हूँ और आप मुझे शादी कर लीजिए। तो इन्होंने खैर थोड़े टाइम तक उसको इग्नोर किया, लेकिन आफ्टर ऑल उन्होंने तरह तरह से अपनी बातों से और अपने काम से ये प्रलोभन दिया, ये विश्वास दिलाया कि, और बताया कि मेरी पत्नी मर चुकी है, मतलब सौरभ तिवारी ने कहा कि मेरी पूर्व पत्नी मर चुकी है और मैं भी सिंगल हूँ। खैर फाइनली उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, और कबूल करने के बाद में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद में दोनों का एक बेटा हुआ है, और लगभग बेटा 1 वर्ष से ऊपर का हो चुका है अभी। उसके बाद दिसंबर 2022 में ये वहाँ से वापस चले आते हैं भारत। भारत आने के बाद इन्होंने सोनिया अख्तर का फ़ोन पिक करना बंद कर दिया। फ़ोन के बाद में हुआ क्या है कि जब सोनिया ने को बार बार कॉल किया, मैसेज किया, इन्होंने किसी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन आफ्टर ऑल जब कांटेक्ट हुआ तो इन्होंने खैर थोड़े बहुत पैसे खर्चे वर्चे के लिए उन्होंने मांगे तो कुछ शायद थोड़ा बहुत दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे और खर्चे उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। आफ्टर ऑल 1 मई 2023 को सोनिया अख्तर भारत आती हैं, और पिछले 6-7 महीने से वो हमारी साथी हैं श्रीमती रेणु जी, तो रेणु जी के साथ वो कांटेक्ट में थी, हमारे साथ कांटेक्ट में थी, लेकिन हमने उनको बताया कि आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ भारत आइए, हम तभी आपकी पूरी हेल्प कर पाएंगे। और इस बार 3 अगस्त को वो भारत में आती हैं, और पूरे अपने डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो लीगल हैं सभी एंगल से हमने उनको चेक किया है, ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ आ गए हैं। और जी प्लीज़, उनके जो हस्बैंड हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मुझे इस तरीके से वहाँ पे टैप किया गया था, मुझे इस तरीके से किया गया था, तो उसमें आपका क्या कुछ कहना है? देखिए अब कौन क्या कहता है इस बारे में ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन मेरे पास सभी चीज़ के साक्ष्य मौजूद हैं,
ठीक है, वो सब ऑन डॉक्यूमेंट्स हैं, वर्बली नहीं होता कुछ भी, क्योंकि आपने कंप्लेंट दी है, एसीपी पूरे मामले की जांच कर रही है, जांच में अब तक क्या निकल के आया है, किस तरीके की पुलिस सपोर्ट कर रही है? पुलिस का सपोर्ट बहुत अच्छा है, वो पूरी तरह से कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से इस बच्चे को इसका पिता मिल जाए और इस महिला को उसका पति मिल जाए, और हमारा प्रयास भी आफ्टर ऑल यही है। आपकी भी सौरभ से बात हुई है? सौरभ से नहीं, सौरभ से मेरी कोई बात नहीं, काउंसलिंग के दौरान जो है सौरभ से मेरी बात नहीं हुई है। सौरभ की जो पत्नी है, पूर्व पत्नी श्रीमती रचना तिवारी, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशानी हूँ, और वास्तव में बात यह है कि रचना तिवारी की कोई गलती है नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल गलती जो की है वो सौरभ तिवारी ने की है, ये ठीक है, तो उनको फेस करें और फेस उनको करनी पड़े, और फेस में भी क्या है कि ये कह रही हैं जो सोन या अख्तर हैं कि मुझे सिर्फ उनको पत्नी के रूप में यहाँ रहना है और इससे ज़्यादा उनकी कोई मांग नहीं है। सर, अब क्योंकि आपकी अभी मुलाकात भी हुई? जी, मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि बच्चे की तबीयत? हाँ जी, हाँ जी, अभी उनसे मुलाकात हुई है, तो मुलाकात में पता लगा है कि उनके बच्चे की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, उनका भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, बाकी हम कोशिश करेंगे कि अब वो यहाँ ज़्यादा टाइम ना रहें, उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। ठीक,